हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 21 जून आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपने आंसर करना है प्रीवियस डे, विच अमंग द फॉलोइंग सोशल मीडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड लिब्रा। लिब्रा नाम से क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा इन नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 में। सो अब शुरू करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, इंटरनेशनल योगा डे। करेक्ट आंसर होगा जी 21 जून, यानी कि आज ही है जी हमारा इंटरनेशनल योगा डे। 2019 इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या रखा गया है, योगा फॉर द हार्ट। तो ये आपको याद रखना है, थीम भी आपको ज़रूर याद रखना है। जो मेन इवेंट हो रहा है जी आज, जो मेन इवेंट हो रहा है झारखंड की कैपिटल रांची में, जहां हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी योगा परफॉर्म करेंगे विद 18,000 पीपल। साथ में झारखंड के सीएम रघुवर दास भी होंगे, गवर्नर भी होंगे द्रौपदी मुर्मू, एंड अदर स्टेट ऑफिशल्स भी सारे मिलके योगा को परफॉर्म करेंगे। एंड प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि योगा के बारे में कितना इंपॉर्टेंस है, आपकी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है जी योगा। ओके, कौन सी डेट को करते हैं जी, 21 जून को। थीम इज़ योगा फॉर हार्ट। अब इंपॉर्टेंट डेज़ की बात है, मैंने कल ऑलरेडी आपको रिवाइज करवाया, सो आप मुझे बताएंगे जो जो मैं इंपॉर्टेंट डेज़ बता रहा हूँ आप उनके कमेंट करके मुझे बताइए। 1 जून का बताओ, देन उसके बाद 5 जून का बताना कौन सा इंपॉर्टेंट डे हुआ था, 7 जून का भी बताना है, जो जो मैं डेट्स बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन 12 जून का भी बताओ मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट डे हुआ था, देन उसके बाद 19 जून का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बताना, एंड 21 जून का है जी हमारा आज का दिन इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली विच बैंक वॉज फाइंड ₹1 crore बाय RBI फॉर नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉड्स एंड नॉन कंप्लायंस विद अदर डायरेक्शंस। तो इस बैंक के पर 1 crore का फाइन लगाया जी RBI ने, तो आपको बताने कि कौन सा बैंक है। तो आप पिक्चर से तो पहचान गए ऑलरेडी, मैंने इसकी पिक्चर लगाई हुई है, HDFC बैंक। ओके, इस पे RBI ने लगाया जी 1 crore का फाइन। अभी हाल ही में बताया था कोटक महिंद्रा बैंक पे भी RBI ने फाइन लगाया था, वो भी याद रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि इस बैंक के बारे में जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले HDFC बैंक की फुल फॉर्म द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर्स हैं जी मुंबई में, टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, आदित्य पुरी इज द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। याद रखना उदय कोटक हैं जी कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO, एंड इसकी जो टैग लाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपली कोटक महिंद्रा बैंक की। तो ये भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है HDFC बैंक, आदित्यपुरी याद रखना। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इन मई 2019 ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ हाउ मेनी पीपल्स क्लाइम्ब्ड माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को मई 2019 में एक रिकॉर्ड बन गया, 885 यानी कि 885 पर्सनैलिटीज ने इसको क्लाइम किया। ट्रैफिक जैम सिचुएशंस मैंने बताया था कि ऐसा इतने लोग इस माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया इस बारी, एंड अनफॉर्चुनेटली 11 लोगों की इसमें डेथ भी हो गई है। ओके, 11 लोगों की जान भी चली गई, बट सक्सेसफुली 885 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ओके, अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में मैंने सबसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऊपर में लिखा हुआ है, सारे कमालो, इनका नाम तो आपको याद रखना है, बिकेम द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, एंड उसके बाद शेरपा कामीरेटा फ्रॉम नेपाल, उन्होंने 23 बारी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, उस पर्सनैलिटी का नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। नाहिदा मंजूर फ्रॉम कश्मीर, फर्स्ट कश्मीरी गर्ल टू स्केल माउंट एवरेस्ट, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना सारा कुमालो इंपॉर्टेंट है नाहिदा मंजूर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर याद रखना है, फर्स्ट कश्मीरी गर्ल टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ओके, देन उसके बाद शीतल राज फ्रॉम उत्तराखंड, 24 ईयर्स की एज है एंड यंगेस्ट बनी टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम उत्तराखंड, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नाहिदा मंजूर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है रखना है, सारे कमालो, बिकेम द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। ओके, एंड हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, बचेंद्री पाल, उनका नाम तो आप सबको पता होना ही चाहिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, माउंट एवरेस्ट पे क्लेनिंग कंपेनियन भी नेपाल द्वारा चलाया गया था, एक स्पेशल टीम भी भेजी गई है नेपाल द्वारा टू रीमेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़ी चीज़ों को रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे माउंट एवरेस्ट आया तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ओके देखो इसके साथ एक चीज़ और भी शेयर करूँगा, वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें एंड इसे जितना हो सके शेयर भी करा करें। एंड कल भी हमने वीडियो का लाइक टारगेट सेट किया था 1000, तो आज भी हम लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं 1000 लाइक्स। वीडियो को अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, आप सबके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए इसको लाइक ज़रूर करना आपने। एंड इतना छोटा सा काम आपको हमारे लिए करना है, लाइक करना एंड इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन ओडीआई इनिंग्स इन जून 2019। सेम मैच में दो रिकॉर्ड बने हैं जी, किसी का रिकॉर्ड ख़राब हुआ एंड किसी ने रिकॉर्ड बनाया। तो इयान मॉर्गन फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने 17 सिक्सेस लगाए, इससे पहले ये रिकॉर्ड था रोहित शर्मा, क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स 16 सिक्सेस हिट किए थे, बट अब इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया एंड 17 छक्के लगा दिए इन्होंने। ओके अगेंस्ट अफगानिस्तान वाले मैच में राशिद खान, इनका तो रिकॉर्ड बन गया बट राशिद खान का रिकॉर्ड ख़राब हो गया था, उनको 110 स्कोर बढ़ गए थे इन 9 ओवरों में, 110 स्कोर बढ़ गए थे इन 9 आवर्स, तो उनका रिकॉर्ड ख़राब हुआ था बट इयान मॉर्गन का रिकॉर्ड बन चुका है। विराट कोहली ने भी अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया, 11000 रन पूरे किए हैं, सबसे फास्टेस्ट जो बने 11000 स्कोर पूरे करने वाले। रोहित शर्मा एंड केएल राहुल ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप की थी, काफ़ी पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जो पहले सचिन तेंदुलकर एंड नवजोत सिंह सिद्धू के नाम था, फर्स्ट ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा एंड केएल राहुल ने अभी हाल ही में तोड़ी है, तो वो चीज़ अभी याद रखना। अब ये इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड टीम से खेलते हैं। ओके नेक्स्ट इज, रिसेंटली एन लिंगापा पास्ड अवे, हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेट करते, कौन सी फील्ड से रिलेट करते। तो ये काफ़ी हमारे जाने माने प्रसिद्ध एंड काफ़ी बड़े कोच थे जी, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 95 ईयर्स की ईयर में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, 2014 में यानी कि 2014 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। एथलीट्स के कोच हैं जिनका नाम है एन लिंगापा, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, इनकी फील्ड भी याद रखनी है, ये काफ़ी प्रसिद्ध जाने माने कोच थे। ओके नेक्स्ट करते हैं, विच स्टेट विल सून लॉन्च चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कौन सा स्टेट इसे लॉन्च करने वाला है इस प्रोग्राम को जी, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब इसके तहत होगा क्या कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1,000,000 जॉब्स क्रिएट करने, यानी कि 10,000 जॉब्स क्रिएट करनी है अंडर दिस प्रोग्राम इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो कौन सा स्टेट ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है, यह जी महाराष्ट्र। ओके जिसमें 30% यानी कि 30% जॉब्स रिजर्व रहेंगी फॉर वुमेन्स कैटेगरी। ओके दिस विल बी लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वही स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स है, मैंने आपको कल बताया था महाराष्ट्र नंबर 1 पे आया था, 334 ग्रीन बिल्डिंग्स है महाराष्ट्र में। तो ये प्रोग्राम भी महाराष्ट्र ही लॉन्च करेगा जो 10 आने वाले 5 सालों में 1,000,000 जॉब्स क्रिएट करने का एक प्लान है। महाराष्ट्र के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस एंड द गवर्नर इज सी विद्यासागर रॉय। नेक्स्ट करते हैं, ऑपरेशन सनराइज 2 इज इन न्यूज इज ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। दो कौन कौन सी कंट्रीज, इंडिया एंड कौन सा कंट्री मिलके एक ऑपरेशन चला रहा था, ऑपरेशन सनराइज 2 काफ़ी 3 वीक का लंबा ऑपरेशन था टू कम्बैक्ट विद टेरर ग्रुप्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड एंड आसाम। ठीक है, इन स्टेट्स के टेरर ग्रुप्स पे अटैक करने थे, लाइक उनके साथ कम्बैक्ट करना था। तो ये जॉइंट ऑपरेशन था ऑपरेशन सनराइज 2, इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है, इंडिया एंड म्यांमार के मिलके ये ऑपरेशन चला रहा था। ओके तो इस कंट्री का नाम आपको ज़रूर याद रखना है एंड बाकी डिटेल्स आपके सामने लिखी हैं अबाउट दिस कंट्री। नेक्स्ट करते हैं, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर सैटेलाइट रावना फर्स्ट इसको लॉन्च कर दिया है जी। तो ये आपको बताने की कौन सी कंट्री द्वारा इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया एंड इस कंट्री का फर्स्ट सैटेलाइट है। सो कौन सा कंट्री है जी, ये है जी श्रीलंका। ओके तो इस कंट्री का नाम आपको याद रखना है, रावना फर्स्ट इसका जो सैटेलाइट का नाम है। एंड अबाउट दिस कंट्री, श्रीलंका के बारे में, श्री जयवर्धनपुरे कोटे इज़ द कैपिटल, देन उसके बाद करेंसी श्रीलंकन रुपए, प्राइम मिनिस्टर इज रानिल विक्रमसिंघे एंड मथिरपाला श्रीसेना इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट वन इज,
विच इंडियन इंजीनियर विंस यूके कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड इन पीपल्स कैटेगरी। तो इन्हें सम्मानित किया गया, इंडियन इंजीनियर हैं जी। इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है जी नीतीश कुमार जहांगीर। अब इनको क्यों सम्मानित किया गया? इन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसका नाम है सांस। अब सांस करेगा क्या कि जो भी बेबीज़ होते हैं ना, जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से उनको अगर सांस नहीं आती थी तो उनकी डेथ हो जाती थी, जो प्री मैच्योर ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये एक जो डिवाइस इन्होंने बनाया सांस, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से कम्बैक्ट करने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन पीपल्स कैटेगरी ने सम्मानित किया गया लंदन में। इनका नाम क्या है जी? नीतीश कुमार जहांगीर। इन्होंने जो डिवाइस बनाया उसका नाम है सांस। ओके, तो वो आपको याद रखना है। एंड नाया टोनी, ये मैंने आपको बताया था, इंडियन ओरिजिन वूमन गर्ल हैं, एक छोटी सी 8 साल की, यूएई में अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने 8 साल की हैं बट 15,000 kg पेपर वेस्ट इन्होंने कलेक्ट किया था एंड वो उसे रिसाइकिल किया जाएगा। देन उसके बाद ग्रेटा थर्नबर्ग, एमनेस्टी इंटरनेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, ये स्वीडन की हैं। नेक्स्ट करते हैं, वुमेन क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री हैज स्कोर्ड लोअर स्कोर एवर? सबसे लोअर स्कोर इन्होंने किया जी, कौन सी टीम है जी? है जी वुमेन टीम है माली की। अब गेस कीजिए कितना स्कोर लो हो सकता है, लाइक इतना स्कोर था लो था कि वो सिंगल डिजिट में था। इन्होंने 6 रन मारे पूरे। एंड जो अपोजिशन टीम थी रवांडा, जिसके अगेंस्ट इनका टीम था, मैच था, उन्होंने 4 बॉलों में इस मैच को ख़त्म कर दिया। तो कौन सी टीम है जी? है जी माली की वुमेन टीम, जिसने सबसे ज़्यादा है, ये भी एक इतिहास बन गया जी, 6 रन बनाए किसी ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है, माली इस टीम का नाम है, वुमेन टीम ऑफ माली। तो ये करंट, एंड ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट याद रखो, कैनरा बैंक अपडेट रूल्स फॉर कैश डिपॉजिट अप टू 50,000। अब 3 बार ही आप 50,000 रुपया जमा कराओगे, कोई फीस नहीं है आपकी कैनरा बैंक में, बट उसके बाद अगर 4 ट्रांजेक्शन करते हो तो पर 1,000 आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि आप अगर 50,000 से अबो 50,000 रुपये करवाते हो तो आप पे 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ओके, एंड ये चीज़ याद रख लो। एंड अबाउट दिस बैंक, जो बैंक के बारे में बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, MD एंड CEO हैं आर ए शंकरा नारायण, चेयरमैन हैं TN मनोहरन, एंड उसके बाद इसकी जो टैग लाइन है वो है टुगेदर वी कैन। ओके, तो ये हो गए जी हमारे करंट अफेयर्स, आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड जो कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स आप यहाँ से देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड जो आज के लिए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये आपने मुझे बताने। ओके, तो इनके आंसर बताओ, ब्रिक्स बताओ मुझे कौन सा कंट्री लास्ट था, एंड ये इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताना मुझे, एंड मीटिंग्स के बारे में भी बताना आप मुझे, G20 के बारे में बताओ 2020 का कहाँ होगा, 2019 का कहाँ होगा, एंड 2018 का कहाँ हुआ था, एंड ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो अभी लॉन्च हुआ है जी वर्ल्ड कप 2019 का, तो इस सॉन्ग का क्या नाम है ये बताओ। सो डैट्स ऑल, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, एंड इसे प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।